हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आज मैं बहुत ही टेस्टी खाजा बनाने वाली हूँ घर पे, बिल्कुल हलवाई जैसा। देखिए ये खाजा कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में इससे कई गुना ज्यादा ये टेस्टी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना टेस्टी खाजा घर पे बना सकती हूँ और इसे बनाने के बाद मुझे लगा ना ये बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे ना मैंने लिया है 3 कप मैदा, ग्राम में ये 250 ग्राम है और इसमें ज़्यादा मोइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मोइन करेंगे ताकि ये ज़्यादा खस्ता बने। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और बढ़िया से मोइन कर दिया है मैदे में। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। ध्यान रहे बहुत सख्त डो नहीं रेडी करना है हमें और ना ही ये गीला होना चाहिए, एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। हाथों से मसल मसल के एक बढ़िया सा डो लगाना है यहाँ पे। तो ये हमने अपना डो लगा के रेडी कर लिया है, इसे ढक के साइड में रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी करते हैं मैदे और तेल का। आप ज़्यादा या कम, जितना आपने डो लगा है उसी हिसाब से रेडी करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में लिया है तेल और इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे जो हम रोटी इसका बेलेंगे, यानी बड़ा सा जब रोटी बेलेंगे उसके ऊपर इसका लेप लगाएंगे। इसलिए हम इसका एक पेस्ट रेडी कर रहे हैं जिसमें मैदे और तेल का जो पेस्ट होता है ना वो रेडी करते हैं। हलवाई लोग जब बनाते होंगे खाजा, आपने देखा होगा, तो ये पेस्ट बहुत सारा बना के पहले रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बना के रेडी करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बनाना नहीं है, तो हमने उसी हिसाब से रेडी किया है। यहाँ पे 8 से 10 मिनट मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था आटे को, मैदे को। और ये देखिए हम लोई बना रहे हैं, तो 3-3 लोई का 3 बैच बनाएंगे हम इस तरीके से, और तीनों रोटियों को ज्वाइंट करके हम 3 रोल बनाएंगे इसका। 3-3 का 3 रोल बनाना है हमें खाजा बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम सारी लोइयों को रेडी करके और सबसे पहले इसकी रोटी बेल लेंगे बड़ी सी, जितना हो सके इस लोई के हिसाब से उसी हिसाब से हमें बनाना है। पतला बनाना है, एकदम पतला, जितना पतला हो सके उतना पतला बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आराम से आप बेल बेल के इस तरीके से एक पतला सा रोटी हम बनाएंगे। तो आप ना बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड है उस पे बेलिएगा, बहुत आसानी से ये बेल लेंगे। अगर आप चकले पे बेल रहे हो तो छोटी छोटी सी लोई बनाना और रोटी जैसा गोल गोल आप जैसे रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आप बनाइएगा। पर यहाँ पे मेरे पास ना बेलने के लिए बहुत बड़ा चॉपिंग बोर्ड है, बहुत भारी सा लकड़ी का, तो इस पे मैं बेलती हूँ जब भी खाजा बनाना रहता है, तो बहुत आसानी से ये बेल लेती हूँ, बहुत इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से बड़ी सी लोई मैंने बड़ी सी रोटी बनाई और फिर उस पे जो पेस्ट रेडी किया था मैदे और तेल का उसका लेप लगाया ताकि जब भी मैं उस पे दूसरी रोटी डालूं तो वो चिपके नहीं और उसमें परत बाद में खुल जाए। तो जो प्रोसेस मैं ना अलग अलग तरीके से कर रही हूँ, तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, सारी रोटियों को बेलने के बाद मैं उस पे लेप लगा दे रही हूँ ताकि इस प्रोसेस को हमको दोबारा ना करना पड़े और एक ही बार में ये रेडी हो जाए। तो ये प्रोसेस मैं पहले ही कर ले रही हूँ। इसमें लगातार मैंने सारे में पेस्ट अच्छे से लगाया, जो मैंने घी और तेल और वो मैदे का पेस्ट रेडी किया है वो सारे को अच्छे से लगाया, और इस प्रोसेस को इसी तरीके से करना है। और तीनों जो लोई हमने नौठो बनाया है ना उसे 3 बैच में इस तरीके से हमें करके रेडी कर लेना है। तो मैंने 3-3 रोटियां का एक रोल बनाया है और इस तरीके से मैंने इसे मोड़ लिया है। बहुत पतली रोटी मैंने बनाई है जितना मुझसे हो सके। अब लास्ट में थोड़ा सा पानी लगाया इस तरीके से और इसे भी कॉर्नर को अच्छे से चिपका दिया है। और ये देखिए हमारा रोल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस तरीके का 3 रोल मैंने रेडी कर लिया है इस तरीके से, आपने देखा, बस ऐसे ही करना। और मैंने सारे में अच्छे से पेस्ट लगा लगा के, जो मैंने मैदे का पेस्ट रेडी किया था तेल के साथ, वो सारे मैंने इसमें जो घोल रेडी किया था लगा लगा के किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आई और रोटी चिपका भी नहीं। अगर आप बिना जो है उसका लेप लगाए आप रखते हो ना तो वो चिपक जाता है, तो ध्यान रखें पहले ही लगा दो और फिर एक थाली में आप फैला के उसे एक दूसरे में चिपका के रख दीजिए, तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसी तरीके से मैंने किया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल चिपका नहीं, इसकी परतें खराब नहीं, रोटियां भी चिपकी नहीं, बहुत आसानी से मैंने इसे बनाया। इस प्रोसेस को आप इसी तरीके से करिए, पहले ही रोटी को बेलिए, उसमें जो घोल है उसको लगा के और एक साइड में रखते जाइए। तो इस तरीके से मैंने सारे जो है पीसेस को कट कर लिया और थोड़ा सा कॉर्नर को दबाना है साइड से इस तरीके से, ताकि ये ना जब फूले ना तो ये बड़ा बड़ा हो जाए। अगर आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं
और इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉर्नर को दोनों साइड से हाथों से हल्के से दबाना है ताकि इसमें जितनी परतें हैं रोटियों का जो हमने मोड़ मोड़ के बनाई है जितनी परतें हैं अच्छे से खुले। इसके लिए आप कॉर्नर को हल्के हाथों से दबाइए। अगर आप चाहे तो इस तरीके से बेल भी सकते हैं। तो आपने देखा मैंने जो बेला उसका शेप और इसका शेप थोड़ा सा अंतर है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसमें शेप बहुत अच्छा आता है अगर हाथों से दबाते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने सारी जो है खाचे को रेडी कर लिया, कट करके बेल के हाथों से चिपका के दोनों प्रोसेस मैंने किया है। अब एक पैन में पहले चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है चीनी। इसी कप से 1 कप और थोड़ा सा और डाल के पानी हम इसमें इसका चाशनी बना लेंगे। नींबू का जूस साथ में डालेंगे ताकि ये बहुत गाढ़ा ना हो और ये जमे ना। मतलब गाढ़ा भी हो तो इसमें ये जमे ना, इसके लिए हम नींबू का जूस डालेंगे। अब धीमी आंच पे इसे पहले पकाएंगे और फिर हीट को तेज करके एक गाढ़ी सी चाशनी बनाएंगे, यानी एक तार की चाशनी। अगर हाथों में ऐसे करके आप ऐसे करिएगा तो एक तार बनेगा, मतलब हमारी चाशनी बन चुकी है खाजे के लिए। चाशनी बनने के बाद इसमें डालेंगे इलायची पाउडर मिक्स करके और चाशनी हमारा हो चुका है रेडी। चूल्हे से हटा देंगे इसे। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल को बहुत तेज गर्म नहीं करना है, मीडियम हीट पे इसे गर्म करना है। और मीडियम तेल जब गर्म हो जाए उसमें हम एक एक करके सारे खाजा को डालेंगे हाथों से। इस तरीके से हिलाने से इसके सारे परत अच्छे से खुल जाएंगे, इसलिए हाथों से इसे हिलाते रहना है। हीट को अभी लो रहने देंगे और सारी परतें जब खुल जाए तो इसे उलट पलट के अच्छे से हमें तल लेना है। तो मैंने शुरुआत में जब हीट जो था बहुत लो था उस टाइम में डाला था, थोड़ा सा हीट को हल्का सा तेज किया और ये ना उसी हीट पे मैंने छोड़ दिया। सारी परतें अच्छे से खुल गई और उसी हीट पे मैं अभी तक इसे उलट पलट के इसे तल रही हूँ। अब थोड़ी देर में इसका हीट तेज करेंगे और ये देखिए मैंने हीट तेज करके थोड़ी देर में इसे तल लिया था अच्छे से। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इस प्रोसेस को इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से तलना है। इसकी परतें अच्छी खुल जाती हैं और इसका हीट जो है ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा बीच में कम और ज्यादा करना पड़ता है। तलने के बाद इसे हम डालेंगे चाशनी में। चाशनी बहुत तेज गर्म नहीं है लेकिन हाँ हल्का सा गर्म जरूर है। इसे डालने के बाद ऊपर से चाशनी डालेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी कि ये अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि बर्बाद हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैंने चाशनी बनाई थी जितना हमारा मैदा था। और ऊपर से चम्मच के सहारे ऊपर से हम डालेंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। तो खाजा अच्छे से भीग चुका है और जो दूसरा था ना, जो दूसरा रोल मैंने रेडी किया था और सारे खाजा को मैंने काट के रखा था, उसे भी मैंने इसी तरीके से तल तल के निकाला और एक एक करके डाला। ऊपर से चाशनी डाली, सारे खाजा अच्छे से भीग जाए, फिर जो बचा हुआ था चाशनी उसमें मैंने तीसरी बार डाला। वो सारे प्रोसेस मैंने बिल्कुल उसी तरीके से किया और आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। बहुत ही खास्ता और बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये खाजा बन के रेडी हुआ है। सारे खाजा बहुत अच्छे बने हैं, सारे में अच्छे से जूस जो है, जो चाशनी अच्छे से घुसा है और ये बहुत क्रिस्पी बना है। ऊपर से ये बहुत चमकीला, अंदर से जूसी है। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। तलते वक्त इस बात का ध्यान रखना है चूल्हे का हीट मीडियम रखना है, फिर थोड़ा सा तेज करना है, लास्ट में थोड़ा और तेज करके इसे तल के निकालना है। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है इसे तलते वक्त। इस तरीके से आप बहुत ही टेस्टी खाजा घर पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, देखने में अच्छा है, खाने में बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। इजी प्रोसेस है, एक बार आपने अगर घर पे इस तरीके से बनाया फिर आप आसानी से घर पे इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी खाजे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।